हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए, आज इस सुंदर से रात के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपके जीवन में बहुत बुरे हालात हैं, आज आप बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं का आज आप सामना कर रहे हैं, खुदा से प्रार्थना करें। परमेश्वर आज प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके हर प्रकार के बुरे हालात को ठीक करेगा। चाहे आपके जीवन में जैसी भी समस्याएं हों, यदि आज आप प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, और आप एक गिलास पानी लेकर के आज प्रार्थना को करिएगा, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है, वैसे हमें यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर कल हमें सुबह तक सुरक्षित रखेगा। हमारे जीवन की, हमारे प्राणों के, हमारे घर, हमारे परिवार, हर एक चीज़ों की परमेश्वर हमें देखरेख करेगा, और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमें याद रखना है। जिस तरीके से यीशु ने अपने अंतिम सेवकाई के आखिरी सप्ताह के दौरान अपने शिष्यों से कहा, इसलिए तुम जागते रहो और हर एक प्रकार के बुरे समय में प्रार्थना करते रहो, कि तुम सब चीज़ों से योग्य हो सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो पाओ। हालेलुया, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी हालात में आप जी रहे हैं, मुश्किल समय में आप जी रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, तो आज इस प्रार्थना को सुनिए। प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दाऊद ने बहुत साल पहले यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कहा, जिस तरीके लिखा है भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान और बल है, संकट में सदैव हमें से मिलने वाला हमारा वह खुदा है, वह हमारा सहायक है, इस कारण हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में आ जाए, चाहे उसका जल गरजने लगे और अनेक प्रकार के जो फेन होते हैं वो उठने लगे, पहाड़ अपनी पाड़ के जिस तरीके से कांपने लगे या कांप उठे, तो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया इधर का उधर हो जाए, आपको विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके बुरे हालातों से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु आज आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यौनक पुस्तक यहाँ पे जब देखते हैं अध्याय 4 और वचन नंबर 18 में लिखा है, प्यार में कोई डर नहीं होता है, प्यार में कोई डर नहीं होता है, ये परमेश्वर वचन कहता है, परंतु पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि आज हम सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी डर होगा, जो भी भय होगा, जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्माएं हमारे अंदर वास करती होगी, जो शैतान आज हमें तोड़ना चाहता है, जो शैतान आज हमें गिराना चाहता है, जो नीचा दिखाना चाहता है, वो हर प्रकार के आपके जीवन शैतानी ताकत जाएगी। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेम में, मतलब प्रेम में कोई डर नहीं होता है, आपके जीवन में यदि पूर्ण परमेश्वर से आप भय नहीं खाते और भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा वाली बातें आप नहीं सोचते हैं कि मेरे मन में ये आज चल रहा होगा कि नहीं होगा, आज मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा या नहीं देगा, ये मन में यदि आपके है, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम नहीं करते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब है कि सच्चे मन से आप परमेश्वर से, मतलब पूरी तरीके से आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि आपके मन में किसी प्रकार का नेगेटिव विचार आ रहा, नकारात्मक विचार आ रहा, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको बहुत सारी हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का जो आप सामना करते हैं उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि भय का संबंध डर से है। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, जो डरता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि आज परमेश्वर हमसे प्रेम ना करा होता, तो अपने इकलौते पुत्र को कैसे संसार में भेजता। उसने हमसे सच्चा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया इस संसार के लोगों के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, यदि वैसे ही हम
प्रेम करते हैं खुदा के वचन पे, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा है। उसने हमारे लिए, हम पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसके एक एक लहू के कतरे के हिसाब से यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं, तो आपके जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा है, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी बुरे हालात में आप जी रहे हैं, जो रोते हैं, आँख से आंसू बहते हैं, परेशान हैं नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार का आप जो सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम जो आपके जीवन में हैं, उसे प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 13 में। यहाँ पे यशायाह के द्वारा क्या कहा गया है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ जो तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझ से कहता है मत डर। परमेश्वर वचन क्या कहता है, मत डर, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी सहायता करूंगा, आपके हर प्रकार के बुरे समय में मैं आपकी मदद करूंगा, आपको हमेशा उठा करके खड़ा करूंगा और आपको चलाऊंगा। यदि आज आपके पांव डगमगाते हैं, यदि आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या बीमारी का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आज आपके जीवन में है, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। आज आपको छुटकारा देने जा रहा। आज इस प्रार्थना को अंतिम तक करिए ताकि प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष दे सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में क्या बने, शांति पाओ। परमेश्वर वचन कहता है मुझ में शांति पाओ। इस दुनिया में आपको समस्याएं तो झेलनी ही होगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है अपने आप को थाम करके बैठो और प्रार्थना करो, दुआ करो कि मैंने संसार पर काबू पा लिया है। हालेलुया। स्वाभाविक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में काबू पा लिया है, इस संसार के परमेश्वर ने जीत लिया है, मृत्यु को हरा दिया है। और यीशु मसीह हमारे जीवन में जिस तरीके से ब्लेसिंग करता है, आशीष देता है, बरकत देता है, वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा कि आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि प्रभु आपके जीवन में आपको काम देगा, आपके हर प्रकार के बिजनेस में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आप जो इस समय तैयारियां कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके बेटे या बेटियां, आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी धंधे करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 4 में लिखा है, चाहे मैं अंधियारे तराई में होकर के चलूं तो भी विपत्ति से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। अपनी, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, आपकी इस तरीके से छड़ी और इस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है कर्मचारी हैं, वे मुझसे दिलासा दिलाते हैं कि परमेश्वर के वचन में विश्वास रखो और भरोसा रखो कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। जिस तरीके से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक प्रकार की परिस्थितियों में, हर प्रकार के बुरे समय में आपको विनती और प्रार्थना और धन्यवाद करना है, ताकि परमेश्वर आपको वो ताकत दे सके, आपके साथ वो रह सके और आपके जीवन में ब्लेसिंग कर सके, आपके प्राणों की रक्षा कर सके। हालेलुया। तो आज जितने मेरे बहने हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज आपको विश्वास रखना है कि प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मैं प्यों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, लूका पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से कौन चिंता करके अपने जीवन में एक घंटा भी जोड़ सकता है या एक घड़ी बढ़ा सकता है? ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जब इतना छोटा सा हम काम नहीं कर सकते हैं चिंता करके, तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं थके हुओं को बल देता हूँ, ताकत देता हूँ। आज आप यदि थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, घर से, फैमिली से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से, घर से, खेती से, किसानी से, जो भी आज आप करते हैं उसमें यदि आप थक चुके हैं, तो आज आप प्रभु से प्रार्थना करें, कहें कि परमेश्वर मुझे वो सामर्थ दे, वो मुझे ताकत दे, जो आज मेरे घर में जो परिस्थिति है, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको बताएंगे तो प्रभु आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, मैं थके हुओं को बल देता हूँ और निर्बलों को जो होते हैं, जो निर्बल होते हैं, उनको मैं शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें खड़ा करता हूँ और बड़ी मजबूताई के साथ खड़ा करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं प्रभु की प्रार्थना करते
करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज हमें ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे और हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को परखें जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां एक गिलास पानी हाथ में लिए हैं। पिता आज उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएँ, हर प्रकार की गंदी आत्माएँ, आज जो उनके बुरे हालात चल रहे हैं, आज जो रोते हैं, जिनके आँख से आंसू बहते हैं, आज बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस मसीह के नाम से। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं प्रभु, आज इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके हर प्रकार के समस्याओं में आप इनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु, आज इन्हें बचाएं हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से। आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो शैतान आज जो इनके घरों में बैठा है, जो शैतान आज इनके जीवन में बड़ी समस्याएं लाता है, जो शैतान आज इनके हर प्रकार के कामों को बिगाड़ता है, वो शैतान आज इनके जीवन, मसीह भाई बहनों के जीवन में सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियाँ, अनेक प्रकार की समस्याएँ जो लाता है यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके बच्चों के जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकल यीशु मसीह इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके जॉब से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु इन्हें ब्लेसिंग कर, आज जो रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो हताश यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके पास बच्चे नहीं वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त छो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि आज हर एक प्रकार की बहनों को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर, आज इनके पैरों में दर्द है, आज इनके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी हैं, जो घुटनों में दर्द है, आज जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं। आज जो कैंसर की बीमारियाँ हैं, आज जो दुख है, आज जो मुसीबत है, और जिन बहनों को आज ब्लड की प्रॉब्लम हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं। जिन बहनों के आज पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज उसके लिए ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, और जिस समय ये प्राणी पानी पिए पिता परमेश्वर, उस समय इनके जीवन में वो हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखिए और आज्ञा दीजिए अपनी बीमारियों को लेकर के, आप इस पानी को पीजिएगा, प्रार्थना को खत्म होते ही परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा, बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। हर प्रकार के जो बंधन आज बंधे हुए हैं, आज जो काम नहीं बनते हैं, आज जो रुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के काम आज आपके जीवन में सफल होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, हर पल, हर घड़ी से परमेश्वर आप इन्हें सुरक्षित रखें। इन्हें संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इन्हें देखने वाले प्रभु आप हैं, इन्हें रास्ता दिखाने वाले आप हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही सत्य और मार्ग और जीवन हैं। परमेश्वर आज हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन में ब्लेसिंग करें, इन्हें आशीष दें, इनके हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज इनके परिवार से, इनके घर से पिता परमेश्वर निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज इतने मेरे मसीह भाई बहने प्रार्थना को सुनते हैं, लास्ट तक करते हैं, पिता आज इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से छुपिता छोटा, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के बुरे हालातों से पिता परमेश्वर इन्हें बाहर निकाल यीशु मसीह के नाम से निकाल। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त, इसी घड़ी, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जहाँ भी कहीं प्रार्थना सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, देश विदेश में कहीं भी किसी भी कंट्री में आज वो प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यहीं से यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार के काम आज चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो उनके पैसे बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज जो रास्ता बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, आज इनके पैसे फंसे हुए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं ठीक होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख को आपने परमेश्वर दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको बुरे हालातों से परमेश्वर ने आज आपको बचाया है, तो आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। जाते जाते यदि आप गवाही को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही वीडियो बना करके ज़रूर भेजें, ताकि प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे और 4, 10, 50, 100, 1000 लोगों के जीवन में प्रभु काम करे, उन्हें ब्लेसिंग करे। तो आप जाते जाते परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से शेयर करिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना में आज विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं और प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग करता, आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आज उसमें आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर प्रकार के घटी और कमी को पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।